हेलो गाइस, तो हमारे इंडिया में चाय पीना सभी को पसंद है। तो कोई लोग खाली पेट चाय पीते, तो कोई लोग खाने के बाद चाय पीते, कोई लोग दूध वाली चाय पीते, तो कोई बिना दूध वाली चाय पीते। जैसे कि आपको पता है, चाय में कैफीन और शुगर रहती है, तो ये हमारे बॉडी को फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस कराता है। जो बाहरी देशों में चाय पी जाती है और जो हमारे देश में चाय पी जाती है वो अलग है। हमारे देश में दूध और शक्कर वाली चाय पी जाती है, जैसे कि आप जानते हो, और जो बाहरी देश में चाय पी जाती है उसमें दूध और शक्कर नहीं रहता। तो ये जो दूध और बिना दूध वाली और शक्कर वाली चाय जो है, ये हमारे बॉडी के लिए सही है। तो आपको भी खाली पेट चाय पीने के बाद भरा भरा लगता है, भूख नहीं लगती, पेट में दर्द मचलता है, पेट में जलन होती है, सीने में जलन होती है या फिर गले में जलन होती है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी आइकन को भी दबा दीजिएगा, यानी कि ऐसी मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यानी कि जो चाय पीने के बाद पेट में जाती है, पेट में इसे हजम करने के लिए हमारा जो पेट है वो एसिड सीक्रेट करता है, जो कि HCl एसिड है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जो हमारा पेट है ये एक्सेस मात्रा में एसिड सिक्रीट करता है। इससे क्या होता है, जो एक्सेस एसिड है वो हमारे पेट में घूमता है, फूड पाइप द्वारा सीने तक आता है, गले तक आता है, फिर हमें जलन होना, यानी कि पेट में जलन होती है, सीने में जलन होती है और गले में भी जलन होती है, और कई बार तो गैस भी हो जाता है, पेट भरा भरा लगता है। इससे हमें पेट की समस्याएं बढ़ जाती है और जो हमें खाना डाइजेस्ट करने में भी मदद होती है। हम में से बहुत से लोग दिन में काम पे जाते हैं तो वो 5-6 बार चाय पीते हैं। तो इससे क्या होता है, जब भी उन्हें भूख लगती है, अगर वो चाय पी जाते हैं तो इससे भूख नहीं लगती, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती, तो जो पेट है वो भरा भरा लगता है। इससे हमें एनर्जी जरूर मिलती है, लेकिन जो एनर्जी मिलती है वो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। यानी कि जब हम सुबह सुबह चाय पीते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है और हम डायरेक्ट उसे कैफीन देते हैं चाय के थ्रू, तो ये गलत चीज है। तो ये बॉडी को आगे चल के नुकसान दिलाती है। यानी कोई लोग गुटखा नहीं खाते, तंबाकू नहीं खाते, फिर भी उन्हें कैंसर हो रहा है, दिल की बीमारियां हो रही है, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो रही है, खून गाढ़ा हो जाता है, डायबिटीज अभी तो छोटे बच्चों में भी पाया जा रहा है, किडनी में पथरी होना, मर्दों में तो शुक्राणु की कमी, बाल सफेद होना, महिलाओं में गुप्त रोग होना, ये सभी हमारे पेट से ही जुड़ी। अगर हम चाय को खाली पेट न पिए तो हमें ये समस्या नहीं होगी, पेट की समस्या नहीं होगी, तो हमारा जो पेट है वो सही रहेगा। जैसे कि हमारे बॉडी को सुबह सुबह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, तो हमें सुबह सुबह फ्रूट्स खाने चाहिए, फ्रूट्स का जूस लेना चाहिए। इससे हमें जो पेट की समस्या होने वाली वो कम हो जाएगी। प्रोटीन मिलने वाली सभी चीजें सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी खानी चाहिए। तो आपको मैंने जो चाय के बारे में बताई हुई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इसके लिए आप मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी आइकन को भी दबा दीजिएगा, यानी कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।